रेलवे प्रशासन ने रतनपुरा इंटरसिटी एक्सप्रेस और उत्सर्ग एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। इस समस्या को लेकर नेहरू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राकेश सिंह, व्यापारी राजू लाल श्रीवास्तव, आनंद कुमार वर्मा, राजेश वर्मा, मोहन कुमार गुप्ता, जगत सिंह, भूतपूर्व सैनिक परमात्मानंद सिंह, रामविलास राजभर, अजय कुमार तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने रेलवे प्रशासन से आग्रह किया है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। लोगों का कहना है कि अभी कोहरा भी नहीं है, इसके बावजूद ट्रेनें बंद कर दी गईं। दरअसल मऊ स्टेशन से चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह यात्रियों को वाराणसी पहुंचाती है और शाम तक यात्री वापस आ जाते हैं। लोगों ने बताया कि मऊ, बलिया और गाजीपुर तीनों जिलों से रतनपुरा रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री दवा के लिए आते हैं, गंगा स्नान के लिए, बाबा विश्वनाथ दर्शन के लिए, व्यापार के लिए और पढ़ने के लिए रोजाना आते जाते हैं। लेकिन इंटरसिटी बंद होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इसी तरह बलिया के फेफना जंक्शन से लेकर मऊ जंक्शन तक इंटरसिटी वाराणसी तक जाती है। वहीं उत्सर्ग एक्सप्रेस भी लखनऊ जाने के लिए एकमात्र सीधी ट्रेन सेवा है, तो उत्सर्ग एक्सप्रेस के बंद होने से लखनऊ आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डेली इंसाइडर के लिए मऊ से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।